Assalamualaikum. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो. आई होप आप लोग ठीक ठाक है, मजे में हैं और है खुश. आज मैं हिल हिल के बाद तो खैर स्प्रिंग हिल गया. तो व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार. व्लॉग्स बाय सुलेमान नाम है और उस पर व्लॉग्स आते रहते हैं. आज भी एक आएगा और एक स्पेशल व्लॉग भी हमारा आएगा, तो वो भी कल या परसों आ जाएगा. कल नहीं, परसों. हाँ परसों. तो बाकी ये है कि यार हम लोग मोशी भाई जो है पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, इंडिया आए हुए हैं और इंडिया घूम रहे हैं, हमें भी साथ घुमा रहे हैं और फूड व्लॉगिंग करते हैं. उनका लेटेस्ट वीडियो आई है पाकिस्तानी विजिटिंग इंडियन मैकडॉनल्ड्स इन, और दूसरा ये है कि इंडियन फूड पाकिस्तानी इन इंडिया. एक इस तरह की हमने वीडियो ऑलरेडी देखी थी, इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैकडॉनल्ड्स. वो जो भाई हैं ना पाकिस्तान के मैकडॉनल्ड्स भी गए थे और फॉरनर थे और इंडिया के भी, तो उन्होंने दोनों के खाने भी दिखाए थे सारे खा के और अपना एंड में बताया भी था कि कौन सा उनको थोड़ा सा बेटर लगा है. तो उनको मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा उसमें लगी थी. वो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगी. और इनको देखते हैं कि इनको कैसा इंडियन मैकडॉनल्ड्स लगता है, क्योंकि हर मुल्क के हिसाब से वहाँ के मैकडॉनल्ड्स जो है ना वहाँ की वो रखते हैं मेन्यू रखते हैं. तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन. मैक आलू टिक्की. हाँ आलू टिक्की चेक करें. चिकन कबाब बर्गर, ये भी मैं पहली दफा. अच्छा, खा रहा हूँ. चिकन भी है. मैक पिज्जा क्यों है इसका नाम? हाँ हाँ, मैक बड़ा फ्रेश लग रहा है. हर बाइट में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए. ऐसे होता होता तो फिर क्या चाहिए था. सलाम नमस्ते सस्रिया. ओ अन्ना अन्ना, आज मैं आपको रिव्यू कराने आया हूँ. पहले बता दूं मैं गाँव में बेंगलोर में मौजूद हूँ और पीछे पीछे इंडिया में ऑलमोस्ट ये सेम ही है हर जगह. ऑलमोस्ट बहुत बड़ा सेम ही है. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं. अच्छा, डिफरेंट है साउथ और नॉर्थ इंडिया के मैकडॉनल्ड्स. साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का सेम ही है. साउथ इंडिया के मैकडॉनल्ड्स आए, सिर्फ फर्क ये है कि कनाडा में लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं. कनाडा तो कनाडा यहाँ की लैंग्वेज है. तो यहाँ से कुछ चीजें ट्राई करेंगे, खाएंगे, आपका भी रिव्यू लेंगे, फूड भी रिव्यू देंगे. देखते हैं यहाँ वेज में क्या चीजें हैं. यहाँ पे स्पेशलिटी है कि वेज के बर्गर भी हैं. आज तक हमने दूसरे ही खाए हैं, ज्यादातर आपने देखा है नॉन वेज खाए हैं. तो यहाँ पे स्पेशलिटी इंडिया मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बहुत मजे के होते हैं. आपको दिखाते हैं सुपर स्टार. रश देखो, साउथ का कोई सुपर स्टार कोई नहीं, NTR अन्ना. चिकन भी है. साउथ मैकडॉनल्ड्स के अलग मेन्यू है, नॉर्थ का अलग है. ये इन्होंने नीचे लिख दिया. इनके साथ एक बंदा भी आया है ना वीडियो बनाता है. ऑर्डर करते टाइम हमने इस चीज का ख्याल रखा कि ज्यादा से ज्यादा वेज बर्गर हम ट्राई करें, क्योंकि वेज बर्गर ही इंडियन मैकडॉनल्ड की स्पेशलिटी है. तो सारे ऑर्डर्स करने के बाद भाई जब बिल देने की बारी आई तो हैरान कुन तौर पे यार ये बहुत ही सस्ते थे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. रेड कलर का चिकन भी पड़ा. अच्छा भाई, अच्छी चीज ये है कि भाई यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है, ला के सर्व कर दिया टेबल पे. तो भाई वेस्टर्न कंट्रीज के मैकडॉनल्ड्स में और साउथ एशियन कंट्रीज के मैकडॉनल्ड्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आता है वो फ्राइज का होता है. एक तो फ्राइज के साइज बहुत डिफरेंट, हर फ्राइज डिफरेंट है. ये पहला आप देख सकते हैं वहाँ. एक तो फ्राइज साइज में बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है. शायद वो डिफरेंट तरह के आलू यूज करते हैं अपने. हमारे यहाँ भी पतले आते हैं ना, पतले बड़े मजे के होते हैं. तो ये अच्छे फ्राइज थे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है मैंने अब तक ट्राई किए हैं यार, फ्राइज उनके नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं. जो मैंने पहले भी खाए हुए बहुत कंट्रीज से, US का मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है, लेकिन साउथ एशिया में मैंने कहा फ्राइज आई डोंट नो भाई किस समय आलू की या क्या है या इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं. वेल साउथ एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, दुबई, हर जगह मैंने खाया है, अच्छे हैं फ्राइज. अब हम पहला बर्गर जो खोलेंगे भाई ये है मैक आलू टिक्की. ये उन भाई ने भी खाया था जो गए थे. तो भाई 45 रुपए का
ज़ाहिर है भैया वेज लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर खाली मीट मीट की आइटम देंगे तो चलेगी नहीं। तो इसके अंदर देखते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। तो फादर आलू टिक्की है नाम से, ज़ाहिर है सॉस है, आलू है, टमाटर है, बड़ी फ्रेश कड़क कड़क आलू टिक्की है भाई। तो आलू टिक्की की दूसरी साइड दिखाते हैं आपको, बहुत तेरी एक इसका वाला खाएंगे, भूख लग गई अभी से मुंह में पानी आ रहा है, हमारे में भी आ गया। वाला खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि मैं आलू टिक्की कभी नहीं खाई जिंदगी में, हमेशा भरा हुआ बिग मैक क्रिस्पी चिकन। हाँ बिग मैक क्रिस्पी चिकन वो जो हमारे यहाँ भी होता, अच्छा लगा नहीं यार, मुझे लगा वो जो रेडियो पे नहीं आलू टिक्कियां बेच रहे होते वो ही सीन, नेक्स्ट लेवल आलू टिक्की है भाई, साथ फ्राई। सॉस मजे की लग रही है, बहुत ही हाइजेनिक। और ये जो रेड से एक्स्ट्रा सॉस डाला हुआ है, ये पता नहीं क्या चीज है, पता नहीं क्या है, लेकिन कमाल ही टेस्ट आ रहा है, मजेदार। इधर भी फेंक दे, इधर तो नहीं होगा ना, नहीं यहाँ ज्यादा वो नॉन वेज हो। 80 रुपीज। ये भी मैं पहली दफा खाने लगा हूँ, देखते हैं भाई आलू टिक्की के बाद एक वेज हो गया एक नॉन वेज हो गया इसके अंदर क्या है भाई। तो ये देखिए एक बड़े जबरदस्त साइड उन्होंने वो डाला हुआ है, डिफरेंट सॉस है, कौन सा सॉस है, और प्याज उन्होंने ऐसे डाली दिया। ये चिकन है ना, चिकन कबाब तो मैंने बहुत सी जगह से खाए हैं, लेकिन यार ये चिकन कबाब बर्गर कोई नेक्स्ट ही लेवल का, अच्छा? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना यमी होगा। हंसते हैं खाना अच्छा लगे, रिव्यू ऑनेस्ट रहते हैं। हाँ यार ये कोई और ही चीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है किससे कंपेयर करूं। मैकडॉनल्ड कोई भी चीज़ हो खैर इसके साथ जरूर खानी चाहिए, लेकिन इसमें वापस आते हैं यार एक और बाइट, फिर मैं कंपेयर करूँगा ना। ये अपनी नौयत का अनोखा बर्गर है, मुझे नहीं पता इसमें क्या डाला हुआ है, ये सॉस का जायका है या पता नहीं, ये पैटी ऐसा बर्गर जो भी है एंड है यार। चलो ये अच्छा लग गया, पिछला भी अच्छा लगा। दुनिया में मैं काफी जगह मैकडॉनल्ड गया हूँ, ये भाई हाँ ये तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो वहाँ भी जाते होंगे, कहाँ कहाँ जाते होंगे, पाकिस्तान का भी खाया उन्होंने। अच्छा हमारे यहाँ वो ग्लासेस में भी देते हैं, ये भी खाया था। ये रोटी टाइप, हाँ ये खाया था उन भाई ने भी, वो नाम भूल गया उनका, मैं क्या नाम, मटर शटर भी डले हुए, पिज्जा सॉस होगी अंदर। हमारी हालत टाइट हुई, हाँ पिज्जा का नहीं, अच्छा पिज्जा का तो कोई ताल्लुक नहीं है इसमें, फिर पिज्जा जैसे मेरा ख्याल है कि एडवर्टाइजिंग के लिए लिख दिया होगा, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, हर एक अपना टेस्ट, ये नहीं अच्छा लगा। और वेज जो होता है मटर शटर डाला हुआ है, ये देखिए बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। तो जो बर्गर्स मैंने ट्राई किए उसके मुकाबले में तो ये बस ओके ओके, लेकिन आप अगर आए तो ट्राई जरूर करें। तो अभी मैक चिकन पूरी दुनिया में मैंने खाया है, ये देखें मैक चिकन, इंडिया वाला मैक चिकन क्या वैसा ही है जैसे पूरी दुनिया में होता है या डिफरेंट है, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। मुझे भी खिला दो। बन की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, हाँ हाँ पैटी बड़ा फ्रेश लग रहा है, लेटस भी डाली थी, इधर भी इतना ही होता है ना, इधर चले इसकी एक बाइट ट्राई करते हैं, एक एक बाइट करके इतने सारे बर्गर खा लिए, इसलिए आपके लिए हर बाइट पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। कुछ भी है भाई पे। बहुत फ्रेश,
तो मैक चिकन भाई एक ऐसा बर्गर है जो दुनिया के हर कंट्री के हर मैकडॉनल्ड में अवेलेबल है। इसका रिव्यू तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ये तो ये तो हर किसी ने खाया होता है मैक चिकन। फ्रेश है तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, कबाब जो चिकन कबाब बर्गर है उसके साथ। चिकन कबाब और भी कुछ है स्पाइसी पनीर। पनीर अच्छा, इंडिया में पनीर वाली बहुत चीजें होती है। मैक स्पाइसी होल व्हीट बन, होल व्हीट बन के साथ है भाई। जितने बर्गर कहाँ आते हो साइड ₹159 सही है। इसमें क्या होगा अंदर? इसके अंदर होगी नहीं नहीं बाहर से देखने में ऐसे लग रहा है कि चिकन की पैटी है, लेकिन मैक स्पाइसी पनीर अंदर पनीर है। और ये देखिए इसका बन भी बड़ा स्पेशल है, बड़ा फ्रेश फ्लफी। आगे देखते हैं मैक्स पर, पहली दफा जिंदगी में मैक्स स्पाइसी। ये भी बहुत डिफरेंट है भाई। तो भाई वेज बर्गर और पनीर बर्गर को किसी और बर्गर से कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट थे जो सिर्फ इंडिया में ही शायद अवेलेबल। स्पाइसी आ रहा है टेस्ट, और पनीर का अपना इतना जायका नहीं। पनीर मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ, ये देखें ये पनीर वाइट कलर का है अंदर से। अच्छा, ऊपर से फ्राई किया वैसे, आई होप आपको नजर आ रही हो। तो लेटस का टेस्ट आ रहा है, स्पाइसीनेस आ रही है, लाइट है, बड़ा फ्रेश बन है, अनबिलीवेबल। अच्छा लगा। यार मैं लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगा यार वेज में क्या अच्छा लगेगा, मैं ये ऑर्डर करने से पहले सोच रहा था क्या अच्छा लगेगा। मैं भाई ये जो चिकन बर्गर, नो डाउट चिकन वन नंबर वन, पर आलू टिक्की और ये पनीर वन, अगर दुनिया से मीट चिकन खत्म ही हो जाए तो भाई मैं इसके साथ रह सकता हूँ। ये खा के मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। ये छोटा सा रिव्यू था मैकडॉनल्ड इंडिया बेंगलोर से। बेंगलुरु तो कनाडा में आपने देखा, शुरू में दिखा हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं कुछ और चीज़ें भी ट्राई करूँगा, लेकिन रिव्यू के लिए यही था। तो भाई चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी मोहब्बत में बहुत शुक्रिया है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। और जगहें मुझे और सजेस्ट कर दें, आने वाले दिनों में बहुत वीडियोज़ आने वाली है। अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। एक ये चीज गलत कर जाते हैं, जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, वो पानी की नायग्रा फॉल्स आ जाती है। बड़ा थोड़ा सा वो कि इन्होंने अन्ना को नहीं पहचाना। आ तारा कन्ना थे यार, हम तो खुश हो गए शुरू में देखते ना। तारा कन्ना ने वो बकेट पकड़ी हुई थी, चिकन की बकेट पकड़ी हुई थी, तो इन्होंने कहा साउथ के स्टार है। खैर इनको हर इनको नहीं पता होगा, बारल देखली हैंडसम बहुत है। हाँ, बड़े हैंडसम लग रहे थे वो ब्लैक जैकेट में। अन्ना ने के वो बकेट, ये पे तो खानी बनती है। तो इनको आलू टिक्की बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले नंबर वन पे कहे थे चिकन कबाब बर्गर कुछ। हाँ, वो तो चिकन में इनको बहुत ही अच्छा लगा, कह रहे हैं बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैक चिकन तो हर मैकडॉनल्ड्स में आपको मिल जाता है, लेकिन इनका जो बर्गर है वो कह रहे हैं यही का है। और आलू टिक्की और को पनीर वाली जो चीज इन्होंने खाई थी, और पफ इनको इतना शायद नहीं अच्छा, नहीं अच्छा लगा। लेकिन आलू वाली कहते हैं अगर चिकन खत्म भी हो जाए ना तो मैं आलू वाले पे गुजारा कर सकता हूँ, पनीर वाले पे। पनीर वाली पे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो नंबर वन पे जो इन्होंने किंग का ऊपर बनाया हुआ था ना चिकन कबाब बर्गर, सेकंड पे पनीर एंड आलू टिक्की। मैक चिकन भी इन्होंने खाया, बट उसका कुछ इतना खास नहीं इनको उन्होंने बोला। तो रिव्यू ऑनेस्ट देते हैं मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी वो है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो पिज्जा पफ था ना उसका टेस्ट नहीं आ रहा था पिज्जा जैसा। हाँ, वो कह रहे थे पता नहीं पिज्जा क्यों उसके साथ लिखा है, मुझे लग रहा था उसमें कोई पिज्जा सॉस डाली होगी। अब हमारा क्या बड़ा दिल करता है यार जब ये खा रहे हैं, जरा सा थोड़ा सा यहाँ भी यस। कहते हैं इंडिया की ना पनीर वाली डिशेस। हाँ, बहुत ज्यादा डिशेस है, या वो जो चाटे हैं डिफरेंट, चाट भेलपुरी और सांबर, डोसा, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए ना कितना मजा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो व्हाट डू यू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग, से जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह आपके लिए लाएंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट एक्शन डेली, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रख।